अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दास्तान की कड़ी में आज हम तीसरा दास्तान लेके आए हैं उर्दू सब्जेक्ट में, क्योंकि दास्तान आपके सिलेबस में है और दास्तान आएगा ही आएगा, हर हाल में पूछा जाएगा, कोई भी दास्तान पूछ लिया जाएगा। तो दास्तान की कड़ी में आज मैं तीसरा दास्तान लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। उस दास्तान का नाम है रानी केतकी की कहानी और लिखने वाले हैं इंशाअल्लाह खान इंसान। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, रानी केतकी की कहानी के बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप इंशाअल्लाह खान इंसान के बारे में जान लीजिए। इंशाअल्लाह खान इंसान, उनकी पैदाइश 1756 ईस्वी में हुई थी। 1756 ईस्वी में कहाँ? मुर्शिदाबाद में। इनके जो वालिद साहब थे उनका नाम सैयद माशा अल्लाह खान था। इनका इंशाअल्लाह खान इंसान और इनका सैयद माशा अल्लाह खान, ये अपना तखल्लुस इंशा इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस क्या था इनका? इंशा। तखल्लुस इंशा इस्तेमाल करते थे। इनके जो दादा थे सैयद नूरुल्ला, दादा का नाम सैयद नूरुल्ला खान, वालिद का नाम सैयद माशाअल्लाह खान था, दादा का नाम सैयद नूरुल्ला खान था। अब ये दिल्ली कब आया, मतलब हिंदुस्तान कब आया? फर्रुक शेर के जमाने में हिंदुस्तान ये आए थे इनके दादा और वालिद साहब। फर्रुक शेर जब मुगल शासक थे भारत के, फर्रुक शेर, उस जमाने में ये हिंदुस्तान आए थे। फिर मुर्शिदाबाद चले गए कुछ समय के बाद। उसके बाद में अपने वालिद, मुर्शिदाबाद से भी अपने वालिद के साथ में चले गए फैजाबाद। फैजाबाद चले गए, वालिद के साथ कहाँ चले गए? फैजाबाद। फिर फैजाबाद में कुछ दिन कयाम किए, कुछ दिन थे वहां पर। फिर फैजाबाद से मुगल सुल्तान जब शाह आलम हुए दिल्ली में, तो ये फिर दिल्ली वापस चले अपने वालिद के साथ में। तो जब ये मुर्शिदाबाद गए थे, दिल्ली से पहली बार अपने वालिद के साथ में, तो मुर्शिदाबाद में ही इनकी पैदाइश 1756 ईस्वी में हुई थी। तो पूछा जाता है सैयद इंशाअल्लाह खान इंशाअल्लाह की पैदाइश कहाँ और कब हुई थी? 1756 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुई थी। ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिए, हम एक एक पॉइंट लिखे हुए हैं आप लोगों को समझाने के लिए। वालिद का नाम सैयद माशाअल्लाह खान, दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह खान। उसके बाद ये अपने दादा के साथ में इनके वालिद चले आए। फर्रुख शेर का जब शासन था, वो मुगल शासक जब थे भारत के, मुगल सुल्तान, उस समय ये बाहर से आए हिंदुस्तान में। फर्रुख शेर के शासनकाल में हिंदुस्तान चले आए, कुछ दिन तक दिल्ली में रहे, उसके बाद ये मुर्शिदाबाद चले गए। तो जब ये मुर्शिदाबाद गए तभी इनका इनकी पैदाइश हुई 1756 ईस्वी में। उसके बाद मुर्शिदाबाद कुछ दिन थे, अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद ये अपने वालिद साहब के साथ कहाँ चले गए? फैजाबाद। शेर व शायरी थोड़े दिन करने के बाद फैजाबाद से भी ये मुगल सुल्तान जब बदले दिल्ली के, शाह आलम जब हो गए, तो ये शाह आलम के दौर में फिर चले गए दिल्ली। दिल्ली में ही इनकी मुलाकात किससे हुई? मजहर जाने जाना और सादत यार खां से। चूंकि मजहर जाने जाना और सादत यार खां, ये दोनों लोग इंशाअल्लाह खां के अच्छे दोस्तों में आते हैं। इन दोनों से जब मुलाकात हुई तो इन लोगों से दोस्ती हो गई, अच्छी यारी हो गई, उठना बैठना हो गया साथ में, तो साथ में रहने लगे, शायरी करने लगे, इसलिए दिल्ली रह गए। कुछ दिन बाद जब, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1761 में जो है अहमद शाह अब्दाली ने फिर दिल्ली पर जब आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था, बर्बाद कर दिया था, उसके बाद उस समय ये फिर चले आए। कहाँ से? दिल्ली से लखनऊ चले आए। अच्छा, इनके जुबान में जराफत थी, जिंदा दिली थी, इसी के साथ ये शायरी करते थे, इसलिए पसंद थी लोगों को। तो जब ये उस समय अहमद शाह अब्दाली के समय जब लूटपाट हुई, उस समय जब ये लखनऊ चले आए, तो नवाब आसफुद्दौला जो थे उन्होंने इनकी शायरी को बहुत पसंद किया। ज़राफ़त, ज़िंदा दिली, सादगी,
ये सब देखते हुए इनको बहुत पसंद किया। वहां उनका आना जाना हो गया, लखनऊ चले आए नवाबुद्दौला के अहद में। वहीं इन्होंने दो दास्तान लिखे, एक तो सिल्क के बोहर है और एक है रानी केतकी की कहानी। सिल्क के बोहर और रानी केतकी की कहानी इन्होंने लखनऊ में ही लिखा था। ये सोच रहे थे कि जो है कुछ ऐसा चीज लिखा जाए कि जो है उर्दू में भी रहे, हिंदी में भी रहे, सबको पसंद आए। इनके दोस्तों ने इनका मजाक उड़ाया, कहा ऐसा कहाँ होता है, या तो उर्दू में ही लिखो या तो हिंदी में ही लिखो। तो मतलब उसी की वजह से ये झल्ला गए और लिख डाला इन्होंने क्या, रानी केतकी की कहानी, जिसे हिंदी में भी कहा जाता है कि लोकप्रिय है और उर्दू में भी कहा जाता है कि ये लोकप्रिय है। तो रानी केतकी की कहानी इन्होंने और सिल्क के बोहर, ये दोनों लखनऊ में ही लिखा था। उसके बाद अपना तखल्लुस से इंशा इस्तेमाल करते थे। और आगे देखिए, हम रानी केतकी की कहानी पे आ रहे हैं, बस इनका ये जो मुख्तसर थोड़ा सा है वो हम बता दें आपको। इनकी शायरी जो, जब इन्होंने रानी केतकी की कहानी और सिल्क के बोहर लिखा, तभी से जो है आसफुद्दौला को जो है पसंद आने लगे। इनकी शायरी, इनकी जुबान, जिंदा दिली सब पसंद आने लगे, तभी से ये मशहूर हो गए और शायरी इनकी परवान चढ़ती गई। अच्छा, 1818 इनका क्या हो गया, इंतकाल। इंतकाल इनका 1818 में इनका इंतकाल हो गया। लखनऊ शायरी में जो है लखनऊ कब्रिस्तान की बुनियाद रखने वाले कुछ शायर हैं, जिनका मैं नाम बताता हूँ। ये देख लीजिए एक बार, एक मिनट के लिए। इंशाअल्लाह खान, तखल्लुस इंशा, पैदाइश 1756 मुर्शिदाबाद, वालिद का नाम सैयद माशाअल्लाह खान, दादा का नाम सैयद नूरुल्लाह खान, जो फर्रुख शेर के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, फिर मुर्शिदाबाद से वहाँ दिल्ली से मुर्शिदाबाद चले गए। मुर्शिदाबाद में ही इनकी पैदाइश हुई थी 1756 में। इसके बाद अपने वालिद के साथ ये फैजाबाद चले गए, फैजाबाद में कुछ दिनों तक ये रहे। उसके बाद फैजाबाद से फिर ये चले गए, मुगल शासन वहाँ, मुगल राजा चेंज हुए, मुगल बादशाह, उसके बाद शाह आलम जब आए तो उनके ज़माने में चले गए दिल्ली। दिल्ली से फिर जो है ये लखनऊ चले आए अहमद शाह अब्दाली के मारकाट को लेकर के। तो लखनऊ दबिस्तान में जो कुछ खास शायर हैं, जो रात हैं, मुसफी हैं, लखनऊ दबिस्तान अहम शायर जो हैं, मुसफी, जुर्रात, इंशाअल्लाह, हाँ, तो इन लोगों के साथ में इनका नाम आता है, जो लखनऊ दबिस्तान के अहम शायर हैं, इन लोगों के साथ में इनका नाम आता है। एक और हैं रंगीन, रंगीन, इन लोगों के साथ में इनका नाम आता है। इन्होंने और भी तमाम किस्से कहानियाँ लिखी हैं, उनका नाम मैं बता रहा हूँ। इंतकाल इनका 1818 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। पैदाइश 1756 में, इंतकाल 1818 में। तो लखनऊ दबिस्तान के जो अहम शायर हैं उनके साथ इनका नाम आता है, जैसे मुसफ़ी हुए, जुर्रात हुए, इंशाअल्लाह खां, रंगीन, इन लोगों के साथ में इनका भी नाम आता है। मशहूर थे,
इनके और कुछ उर्दू में लिखे गए किस्सा कहानियां एक तो यही हुआ रानी केतकी की कहानी, एक सिल के गौहर, रानी केतकी की कहानी इन्होंने लिखा था 1803 में, ये ध्यान रखिएगा 1803 में रानी केतकी की कहानी सिल के गौहर लताएफुस्सार लताएफुस्सार हुआ। तुर्की रोज नामचा एक निकालते थे ये एक महीने 6 दिन पे तुर्की रोज नामचा एक माह 6 दिन का रहता था ये निकालते थे लताएफुस्सार रानी केतकी की कहानी सिल के गौहर। ये छोटा सा मुख्तसर इनके जीवन के बारे में हुआ जिंदगी के बारे में। अब हम लोग आते हैं रानी केतकी की कहानी पर। नोट करते रहिएगा साथियों एक एक पॉइंट जरूरी है किसी भी एग्जाम में जैसे टीजीटी पीजीटी हुआ नेट जेआरएफ हुआ इन सब में पूछा जाता है दास्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर हाल में। रानी केतकी की कहानी पर हम लोग आते हैं। रानी केतकी की कहानी सबसे पहले आप मुख्तसर एक कहानी सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको किरदार याद रहे। एक राजा थे किसी शहर के बादशाह थे सूरजभान नाम था उनका। सूरजभान नाम के एक बादशाह थे किसी शहर के उनका एक बेटा था उदयभान। तो उदयभान जब शिकार खेलने गया उसको शौक लगी शिकार खेलने की। जब शिकार खेलने गया वो तो गया जंगल में और फिर शिकार खेलते समय जब वो वापस आ रहा था तो शाम हो गई। रास्ते में एक बगीचा पड़ा वहाँ बगीचे में देखा उसने कि कई बहुत सारी लड़कियाँ खूबसूरत लड़कियाँ खेल रही थी उनमें एक रानी केतकी भी थी। अब इनका उनसे दिल लग गया मोहब्बत हो गई इत्तेफाक से उसको भी जो है इनसे मोहब्बत हो गई और दोनों ने अपनी निशानी के तौर पर अंगूठियाँ बदल ली। वो अपने घर चली गई अपने घर चले आए और न खाते थे न पीते थे परेशान रहते थे। जब इनको पिता उनकी जो इनके जो पिता थे सूरजभान उनको पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों इनके रानी केतकी के घर पर जो है भिजवाया शादी के लिए एक ब्राह्मण के हाथों। तो जो रानी केतकी के पिता थे जगत प्रकाश को बड़ा बुरा लगा उन्होंने अपनी बेइज्जती समझी और जो है ब्राह्मण को कैद करवा दिया। और जब ये बात जो है सूरजभान यानी उदयभान के पिता को पता चला उदयभान हीरो है इस कहानी में तो जंग पे उतारू हो गए दोनों लोग जंग करने लगे। अच्छा जो जगत प्रकाश थे उनको उनके एक गुरु थे गुरु जो थे वो जादूगर थे। गुरु का नाम मैं अभी जब किरदार लिखवाऊंगा तो सब लिखूंगा। उनके गुरु का नाम गुरु महेंद्र था। तो उनके जरिए इन्होंने क्या किया कि उदयभान और सूरजभान को हिरण बनवा दिया जादू से। तो जब वो हिरण बन गए तो जंग में ये जीत गए कौन रानी केतकी के पिता जगत प्रकाश जीत गए। उसके बाद में जो जगत प्रकाश के गुरु थे उनके पास एक भभूत था जो लगा लेने से आदमी गायब हो जाता था। तो वो भभूत रानी केतकी पा गई इन्होंने लगा लिया और ये ओझल हो गई सबकी आंखों से ओझल हो गई
उसके बाद में जो है ये गई और सबको छुड़ाई उड़ाई, जो लोग कैद थे उदय भान उनके पिता छुड़ाई। उसके बाद में जब दोनों लोगों को पता चला, आपस में सब लोग राजी हो गए, शादी वादी हो गई, कहानी हो गई ख़त्म। तो ये मुख्तसर कहानी थी, मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इसमें जो किरदार हैं जितने, चलिए राजा सूरज भान ये किसी शहर के बादशाह हैं, शहर का नाम नहीं दिया है, किसी शहर के बादशाह। उदय भान, उदय भान ये इन्हीं के क्या है बेटे, ये हीरो भी है इसी कहानी के, हीरो कहानी के हीरो भी है। फिर रानी केत की, रानी केत की छोटी सी कहानी है, इसका प्लाट बहुत सादा है, पेचीदा नहीं है, छोटी कहानी है, अच्छी कहानी है, जादूगरी भी है रानी केत की। ये जगत प्रकाश, जगत प्रकाश की बेटी। और जो जगत प्रकाश है आप लोग जान ही गए, जगत प्रकाश रानी केतकी के पिता, जगत प्रकाश ये क्या है बाप है किसके, इसके। ठीक, समझते चलिए। फिर एक है गुरु, गुरु महेंद्र, महेंद्र ये गुरु हैं किसके, जगत प्रकाश के। समझते समझ गया होंगे, छोटी कहानी है जगत प्रकाश की, जगत प्रकाश की। तो ब्राह्मण जो था उसका नाम नहीं बताया गया इस कहानी में। तो इतने सारे जो है किरदार हैं इस कहानी के। ये सारे किरदार हैं, राजा सूरज भान हो गए, उदय भान हो गए, रानी केतकी हो गई, जगत प्रकाश हो गए, और गुरु महेंद्र हो गए। गुरु महेंद्र जादूगर थे, ये जादूगर थे, जादूगर थे। इनके पास एक भभूत था, वो भभूत लगा लेने से आदमी उजल हो जाता था, गायब हो जाता था। बस छोटी सी कहानी है, ये सारे किरदार ध्यान में रखिएगा। रानी केतकी की कहानी से संबंधित हमने किरदार बताया। इंशाअल्लाह खाइशा के बारे में हमने एक मुख्तसर उनका, इनके जीवन के बारे में बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लगभग लगभग इम्तहान में पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर हमेशा स्वागत है। रोज़ डेली क्लासें चलती रहेंगी और चलती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जब बनाते हैं तो अपलोड होने में बहुत समय लगता है, इसलिए छोटी वीडियो बनाने में हम अब ज़्यादा बल देंगे। इधर छोटी वीडियो 20 मिनट 25 मिनट, अब जब 40 मिनट का वीडियो बनता है तो अपलोड होने में बहुत समय लगता है। तो ये दास्तान था आप लोगों का, ये लेके तीसरा दास्तान ये आज था, पहला फसाना अजायब, दूसरा बागो बहार, और तीसरा रानी केतकी की कहानी। कल हम आपको पढ़ाएंगे अगला दास्तान, अगला दास्तान हम कल आपको बताएंगे। सोच रहे हैं कौन सा दास्तान आपको बताएं। मुल्ला वजही की, मुल्ला वजही की हम कल, मुल्ला वजही की हम सबरस, सब रस, मुल्ला
वजही, मुल्ला वजही की दास्तान अगली है, ये हम आपको कल बताएंगे। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो देख रहे होंगे, साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करें, यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, शुक्रिया।